Things to all my dear students. So, dear students, in my previous video, I had talked about rhyming words, which was the fourth kind of words. So, if you have not gone through with any of my videos, so just go below in the description box. There you will find a link. Just open that link and watch my all the videos. And yes, don't forget to subscribe my channel that is Learn with Cheshta Malwani. And today we will going to talk about. Question tags. सो so बेसिकली what आर द क्वेश्चन tags? सो so, आप में से कई लोग ये तो नहीं सोच रहे कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्वेश्चन mark होता है इज दैट सो इफ यू आर ऑन दिस पाथ यू आर wrong. ओके तो बेसिकली क्वेश्चन tags क्या होते हैं वो हम आज पढ़ेंगे बट क्वेश्चन tags क्वेश्चन मार्क्स नहीं होते ये आप क्लियर कर लें तो चलिए पढ़ते हैं इन इंग्लिश समाइम्स आफ्टर मेकिंग अ स्टेटमेंट वी एड क्वेश्चनिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ इन इट द फॉर्मेशन ऑफ सच क्वेश्चन आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग्स होता क्या है कभी कभी हम एक बात बोलते हैं जैसे मैंने बोला राधा एक अच्छी लड़की है, है ना या तुम्हें क्या लगता है वट डू यू थिंक ओके तो एक क्वेश्चन ना बोलकर एक स्टेटमेंट बोलकर उस स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन टैग लगा देना बेसिकली इसे ही क्वेश्चन टैग कहते हैं तो चलिए पढ़ते हैं मोहन वर्क हार्ड एक स्टेटमेंट है कि मोहन जो वर्क करता है बहुत हार्ड करता है डस नॉट ही दिस इज बेसिकली योर क्वेश्चन टैग शी केम होम लेट दिन दूसरे की राय पूछने के लिए या उस उस क्वेस्ट, स्टेटमेंट का हाँ या ना जानने के लिए हम बोलते हैं कि वो लेट आई थी दिन क्या नहीं आई थी इस तरीके से समीक्षा कैंट सी वेरी वेल कैंशी समीक्षा पहले तो आपने बता दिया कि समीक्षा अच्छे से नहीं देख पाती फिर आपने पूछा कैमसी क्या वो देख सकती है इट मीन्स आप अगर हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे तो सामने वाले इंसान की जो स्टेटमेंट है उसका सही और गलत का पता हमें चल जाएगा या हमारे राय उस तक पहुँच जाएगी ही डज नॉट लाइक रीडिंग उसे रीडिंग करना पसंद नहीं है डज ही क्या उसे पसंद है तो इस तरीके से हम अपने स्टेटमेंट के आगे क्वेश्चन टैग लगा के क्वेस्स को पूछते हैं और बेसिकली ये क्वेश्चन टैग क्यों लगाए जाते हैं ताकि हम सामने वाले का व्यू जान सकें और अपनी बात को कन्फर्म कर सकें कि हाँ ऐसा ही है ना तो चलिए पढ़ते हैं आगे दीज क्वेश्चन टैग्स आर जनरली यूज वेन वी वॉन्ट द लिसनर टू कन्फर्म वट वी हैव सेड बिल्कुल ये यहाँ पे भी इन्होंने यही चीज़ मैंशन कर रखी है कि जब भी हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो जनरली हम ये जानना चाहते हैं वॉन्ट टू लिसनर लिसनर जो सुन रहा है उससे कन्फर्म करते हैं कि वॉट वी हैव सेड क्या वो सही है जो हमने बोला सही है या गलत है वो यस yes, या नो no करके बताता है क्वेश्चन टैग्स आर ऑफ टू काइंड्स क्वेश्चन टैग्स बेसिकली टू काइंड्स के होते हैं कौन से कौन से ये जानते हैं वेन वी एक्सपेक्ट द आंसर यस जब हम आंसर यस yes चाहते हैं वी मेक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट तो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट रखते हैं फॉलोड बाय अ नेगेटिव क्वेश्चन वो नेगेटिव क्वेश्चन को फॉलो करती है जैसे कि मैं आपको बताती हूं राधा एक अच्छी लड़की है नहीं है क्या तो सामने वाला कहेगा नहीं नहीं है है ना तो अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव हो जाता है वही चीज इसमें बोल रखी है व्हेन वी एक्सेप्ट एक्सपेक्ट द आंसर यस वी मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉलोड बाय अ नेगेटिव क्वेश्चन अ नेगेटिव Contraction is always used in these questions. जैसे कि आप देख सकते हैं मिली हो है क्या नहीं मिली हो तो वो जो भी आपका होगा अब आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है पर यह नेगेटिव है क्वेश्चन शी विल विजिट अस टूमोरो क्या वो नहीं तो उस तरीके से नहीं नहीं वो करेगी यस तो हमारा आंसर यस होगा अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन टैग क्या है व्हेन वी एक्सपेक्ट द आंसर नो अगर हमें आंसर नो no चाहिए वी मेक नेगेटिव स्टेटमेंट हम नेगेटिव बनाते हैं जैसे कि शी डज नॉट She does not look well. Does she? क्या वो लग रही है तो हाँ, वो बोलेगी नहीं नहीं वो नहीं लग रही तो हमारा एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा स्टेटमेंट होता है उसी के सेम डायरेक्शन में हमारा आंसर भी आता है जैसे इसमें बोला मैंने यू हैव मीट हर बिफोर हैव नॉट तो बोलेगी नो आई हैव मतलब वो मिल चुकी है तो आपने यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट बोली तो आंसर भी पॉजिटिव ही मिलेगा तो जब आपको पॉजिटिव आंसर चाहिए तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट रखो उसके कॉन्ट्रैक्ट contract, कॉन्ट्रैक्शन में आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव मतलब कि रखना पड़ेगा और अगर आपको नो चाहिए आंसर तो आप अपनी स्टेटमेंट को नेगेटिव रखो और आपके क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव रखो तो आपको वही आंसर मिलेगा जैसे ये नेक्स्ट देख सकते हैं ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वो इंग्लिश नहीं समझता कैन ही नो ही कैन नहीं वो नहीं समझता तो यहाँ ही वाला आपको नेगेटिव ही आंसर चाहिए नो ही आंसर चाहिए तो वो तभी मिलेगा जब आपका स्टेटमेंट नेगेटिव होगा और आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अब देखिए हर बार ऐसा नहीं होता कि हम क्वेश्चन टैग लगा दें येस और नो ले लें और हमारी बात खत्म हो जाए कभी कभी हमें क्वेश्चंस की जो आंसर होते हैं वो डिटेल में चाहिए होते हैं सो फॉर दैट हम अलग से एक चीज समझेंगे वो है जैसे कि आप देख सकते हैं डी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स वेयर डिड यू कैप योर बुक्स तो अब इसमें हमने पूरा पूरा पूछा है कि तुमने अपनी बुक्स कहाँ रखी वाई डू यू वॉन्ट इट तुम्हें ये क्यों चाहिए दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आंसर येस और नो ये आपको येस और नो तो नहीं देंगे दे बिगिन विद दर्ड लाइक वर्ड विच वेन वेयर वाई एंड हाउ बेसिकली हम यहां पर बात कर रहे हैं डब्ल्यू एच फैमिली की जिसे हम डब्ल्यू एच वर्ड्स भी कहते हैं तो अब हम इनके बारे में समझते हैं ओके विच फिल्म वुड यू लाइक टू वॉच विच फिल्म वुड यू लाइक टू वॉच हाउ आर यू प्लानिंग टू फिनिश ऑल दिस वर्क ओके okay, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को जब डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट करते हैं तब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो यस yes या नो में नहीं आता बल्कि एक पूरी स्टेटमेंट में आता है सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन टैक्स एंड डब्ल्यू एच फैमिलीज वर्ड बेसिकली मैं आपको डब्ल्यू एच फैमिली के बारे में पूरी एक डिटेल वीडियो बनाकर दिखाऊंगी बट Till then, just subscribe my channel and hit the like button, hit the bell icon so that you will not miss any of my coming videos. And yes, don't forget to leave a comment. Okay, students, bye bye.